उल्लासपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मने, इस दृष्टि से बाबा रामदेव से आशीर्वाद मांगा गया है और इस त्यौहार में अधिक से अधिक संख्या जो है वह अपने आस्था केंद्र और अपने संस्कृति के उद्देश्य को, संदेश को अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाने के लिए आज नवलगढ़ शहर में अभी पीले चावल बांट करके और उसका निमंत्रण दिया जाए। इस बार पीले चावल की अनूठी पहल की है आपने। जी सर, किस तरह शहर में प्रारंभ कर रहे हैं और धीरे धीरे जो अधिक से अधिक संख्या जितना संभव होगा वो पीले चावल बांट करके और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग शांतिपूर्वक इस त्यौहार को उल्लास के साथ मनाए, ऐसा हमारा उद्देश्य। पीले चावल के साथ में क्या मैसेज दिया जाएगा आमजन को? पीले चावल के साथ में ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरह से ये पीला चावल एक सनातनी संस्कृति का उल्लास का प्रतीक है, उसी प्रकार से यह त्यौहार उल्लासपूर्वक हो, किसी तरह की इसमें समस्या नहीं है, ऐसा बाबा रामदेव की कृपा रहेगी, मैं अपेक्षा करता हूँ। दुलंडे को लेकर जो गैर आयोजित है उसमें लोगों से क्या अपील है? उसमें यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों और शांतिपूर्वक मना करके प्रशासन को, पुलिस को और जो लोग संदेह पैदा करते हैं उनको एक ऐसा संदेश दें कि अधिक से अधिक संख्या में ये हिंदू समाज जो है ऐसे उत्सवों को उल्लास के साथ मनाने की ताकत रखता है। पिछले बार प्रशासन के द्वारा कुछ मृत लोगों को भी नोटिस दिए गए थे, पाबंदी। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन अब की बार SP साहब ने अभी जो पीछे बैठक बुलाई थी उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि पीछे की सारी सूचियां हैं वो डिलीट कर दी गई है और अब उन्हीं लोगों को जो आपराधिक प्रवृत्ति के रहे या सामाजिक रहे उन्हीं लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, अनावश्यक किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा। अगर अनावश्यक को नोटिस जारी किए तो मैं निश्चित रूप से SP साहब से जाकर के मिलूंगा और उसका समाधान तत्काल करवाऊंगा।